से सोचा है तो शैतान है, हम बच के रहना पूरा हिंदुस्तान है। तो भाई प्रलय आने वाला है, और ये प्रलय ऐसा है जो कि भूत भविष्य और वर्तमान का नक्शा बदल के रख देगा। कुछ ऐसे भारी भरकम डायलॉग से सजी हुई अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का जो टीजर है उसे आज लॉन्च किया जा चुका है पूजा एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वाकई में इस टीजर को देखने के बाद तो ये बात साफ हो गई है कि भैया अली अब्बास जफर ने इस फिल्म को जिस लेबल पर बनाया है, ये फिल्म सिनेमा घरों में आकर पूरी तरह से तबाही मचाने वाली है। और भाई तबाही की शुरुआत तो पहले ही शॉट में हमें देखने को मिलता है, जिसमें हिंदुस्तान के भूत भविष्य और वर्तमान को बदलने के लिए एक विलेन खड़ा है जो कि चैलेंज ठोक रहा है ये कहते हुए कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो उनसे बात कर पाए। और उसके बाद भाई जो विजुअल्स हमें देखने को मिले हैं इस टीजर में, वो विजुअल्स इतने मतलब कि दिल को छूने वाले हैं कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया काफ़ी दिनों के बाद अक्षय कुमार एक ज़बरदस्त मूवी सिनेमा घरों में लेकर आने वाले हैं। भाई टीजर बहुत ही दमदार है, फिल्म का एक्शन बहुत ही लाजवाब है, VFX लेवल बहुत ही शानदार है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात इस फिल्म का जो BGM है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। यार ये भाई मज़ा आ गया, मैं तो अपने आप को अभी यही सोचकर गुस्सा हो रहा हूँ कि यार इस वक्त मैं ट्रेन में क्यों हूँ। अगर मैं ट्रेन में नहीं रहता, अपने ऑफिस में रहता, तो इसका रिएक्शन मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को भेजता, लेकिन दिल नहीं माना तो मैंने बोला गया कि एक छोटा सा रिएक्शन आप लोगों के सामने रख देता हूँ, और कल जब मैं जमशेदपुर पहुँचूंगा तो इसका प्रॉपर रिएक्शन अपने चैनल से आप लोगों को भेजूंगा। तो दोस्तों वाकई में तूफान मचाने के लिए तैयार है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी अपनी आने वाली इस फिल्म यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के माध्यम से, जिसका टीजर लॉन्च हो चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ये टीजर कैसा लगा, और भाई ये जो चैलेंज दे रहे जो विलेन, उनको क्या लगता है वो हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ से बच जाएंगे क्या। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही लाजवाब है, और इस टीजर को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अली अब्बास जफर ने इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर भाई एक इतिहास क्रिएट करेगी अक्षय कुमार के लिए। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि अक्षय कुमार की लाइफ की ये वो पहली फिल्म होगी जो कि 400 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही आसानी से पार करके दिखा देगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।